मर्निङ आज हाम्रो सिक्किमको ट्रिप छ. हामी आज रेडी भइसकेका छौँ. हेर्नुहोस् बाइकलाई अब पोल सेट गरिदिएका छौँ. आज म अमृतसर अनि मेरो मिसेस हामी तिनजनाको बाइकमा यात्रा छ. हामी जाँदैछौँ. हाम्रो ट्रिप छ यहाँदेखि सिधै. आज गएर लाचेन बस्नेछौँ. मङ्गन गएर मङ्गनबाट पर्मिट कलेक्ट गरेर हामी लाचेन बस्नेछौँ. लाचेनदेखि भोलि बिहान हामी गुदम्बाको प्लान छ. गुदम्बा गरेर पहिला खर्च गरेर सिधै फर्केर हामी सिधै लाचेन जानेछौँ. त्यस्तो प्लान छ. त्यहाँदेखि हेलमा त्यहाँदेखि जिरो पोइन्टहरू गएर फेरि टु नाइट्स प्रोग्राम छ. अब के कसो हुन्छ भन्नुहोस् न. बाई बाई. सी यु इन द वे. नाउ टाइम इज 4:50 इन द मर्निङ. वी आर अबाउट टु स्टार्ट आवर जर्नी. रेडी हो चुका है हमारा पैकिंग. सर अमित सर. तो अभी हम पहुंच रहे हैं टिस्टा. ये रहा है टिस्टा ब्रिज. अभी हम टिस्टा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं. अमित सर आगे आगे हैं. मैं तो ये रहा सिक्किम का रास्ता. ऊपर जाएंगे तो कालिम्पोंग दिखेगा सिक्किम. बस आगे आगे अमित सर. पीछे पीछे हम अभी हम मल्ली क्रॉस कर रहे हैं. ये रहा मल्ली. ऊपर से जाएंगे तो मल्ली, नीचे जाएंगे तो रंगपुर. तो अभी हम रंगपुर का रास्ते जा रहे हैं. ये बहुत खतरनाक रास्ता है. हम प्लान कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे. ये बढ़िया सा व्यू पॉइंट है. शॉट फोटो. दो भाई, भाई और बड़ा भाई छोटा भाई. तो आज हम ये छोटा सा ब्रेक लिए हैं फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि ये व्यू पॉइंट बहुत ही बढ़िया था. तो अभी हम निकल जाएंगे फिर यहाँ से. यस चलते. बाय बाय. तो फ़ोटो खींचने के बाद हम फिर आगे बढ़ रहे हैं. अभी हम पहुंचने वाले हैं रामपुर चेक पोस्ट. किन छोड़ने वाको, किन छोड़ने वाको, हाँ. तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सिंगताम. आगे जो दिखाई दे रहा है वो सिंगताम है. यहाँ से सिंगताम शुरू हो जाता है. ये मेरा भाभी का घर भी यहीं है. तो ये रहा आगे आपका ट्रैफिक. यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम सिंगताम. आगे सीधा जाएंगे तो गैंगटॉक. तो ये रहा सिंगताम का बाज़ार. अभी हम सिंगताम में है. मेरा भाभी और भैया को अगर पता चला हम यहाँ है तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम चुपचाप से पार हो रहे हैं. तो ये रहा मेन सिंगताम बस स्टैंड. टैक्सी पुलिस आने रे साहब. पुलिस आने. हम रुके थे सिंगताम में. अभी सिंगताम से फिर हम नेविगेशन लगा के मोबाइल में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. ये तो छामा बाट बुझ्यो. हामीसँग जान्छ नि यो बाटो. मुनि मुनि गयो भने चाहिँ त्यो निया नियाको छामा छ नि, सबभन्दा सानो छामा त्यता हो. हामीले सिधै बाटो जानु छ मङ्गन. केमा ए ल ल यहाँ अगाडि छौँ ल. हामी अगाडि छौँ. हामी आउनुहोस् त्यो चक्कामा क्या क्यार 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 बज्दै थियो. हेर त हेर्दाखेरि त एउटा रिङ यो तार अल्झिरहेको थियो अरे. होइन होइन. तो अमित सर को वेट किए थे यहाँ पर. तो हम अभी फिर आगे बढ़ रहे हैं. ये जो रास्ता है हमारा जो मामा है तुम्बिन का, यही रास्ता जाते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि मैं फिर मामा का घर जा रहा हूँ. तो सिक्किम तो अपना ही गांव है, अपना ही मावली गांव है. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई नए स्टेट में आया हूँ, अपना ही मावली गांव में आया हूँ. बढ़िया सा जगह. वाओ क्या ब्यूटी, क्या ब्यूटीफुल जगह है यार. Oh, oh, oh.
माथि हो माथि रहेछ माथि माथि ए माथि 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 मुनि अर्को ठाउँमा रहेछ माथि लाचे मङ्गन हाम्रो मङ्गन गएर सबैजना खानेकुरा के पाइन्छ खानेकुरा के पाउँछ अहिले हामी चाहिँ दिक्षुमा आइपुगेको छौँ दिस इज दिक्षु दिक्षुको पछाडि देखेको बाबा देखिरहनु भएको छ ब्रिज अहिले हामी एकछिन दोकानमा यसो अब चिउरा के पाउँछ आलु चिउरा यसो खानाइ उभिएको छौँ अब यहाँदेखि मङ्गन तपाईँको लगभग 45-50 मिनटको बाटो छ लगभग 21 किलोमिटर छ सो एकछिन यहाँ थाकामा आएर अब यहाँ हामी यसो हुन्छ अहिले भने हामी दिक्षुमा बसेर चिया खाइरहेका छौँ है बुढीले चिया खाँदैछ नि रे यता अमित सर आफ्नै फोनमा बिजी छ सो हम दिक्षु से निकल पड़े हैं निकल चुके हैं सॉरी निकल चुके हैं तो ये है दिक्षु का नज़ारा व्यू पॉइंट वाओ यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर है करीबन हमें समय लगेगा 40 मिनट से 45 मिनट अब यहाँ से खड़ा ऊंचाई चालू हो चुका है ऐसा ना हो कि अमित सर फिर कहीं गलत रास्ते में चले जाए अभी लग रहा है कि हाँ हम जा रहे हैं गुरुदम्बा लाचेन मंगन कहाँ गया सर आप देख सकते हैं कैमरा में अभी और 46 मिनट लगेगा करीबन 17 किलोमीटर है छोटे सा वाटरफॉल स्मॉल वाटरफॉल क्यूट वाटरफॉल तो ये जगह जो है बारिश का समय में बहुत ही रिस्की होता है यहाँ पर लेकिन अभी वेदर बहुत अच्छा है इसलिए हमें उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा नहीं तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब था शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद वो अधिक है यहाँ पर ऊपर पूरा वाटरफॉल ही वाटरफॉल है अमित साहब यहाँ पर आया था ना फिर बीवी के साथ लॉन्ग राइड पहली बार है इसके पहले भी मैं सिक्किम पैलिंग कर चुका हूँ स्काई वॉक हम गए थे एक ही दिन में गए एक ही दिन में वापस भी आए मो त राति उठेर न खाना खाए त त्यो भात थियो नि मलाई कस्तो भोक लाग्यो राति हो निन्दै नलागेको सुत्दैछु भोकै लागिरहेको छ निन्द्रा लागेको छैन हो अन्त अह खानुपर्छ भनेर अन्त उठेर यसो हेरेको त चिसै चाम्रे भात खाएँ त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि मात्रै निन्द्रा लागेको त्यो त्यो चाम त्यो भात खाएँ त्यहाँदेखि निन्द्रा लाग्यो मलाई रात प्रभुको धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसके संगति में सदा रहूँगा जगह नहीं हुआ नहीं तो हम दूसरा भी जूता लेके आते लेकिन क्या करें दूसरा जूता रखने का जगह ही नहीं हुआ और ज़्यादा भारी हम नहीं लेके आने चाहते थे क्योंकि इसका पहले भी जब हम पेलिंग गए थे बहुत सारा सामान लेके आए थे लेकिन हम उस दिन बैठे देखे ना ऊपर से बारिश गिर रहा है वाओ वाटरफॉल नेचुरल ऊपर से बारिश हो रहा है ऊपर से मतलब आकाश से नहीं लेकिन पहाड़ से ऊपर से तो ये बहुत ही फिसलन भरी जगह
फिसलन बड़ा रास्ता है, तो हम गाड़ी को यहाँ साइड देंगे। हम पार हो जाएंगे यहाँ से आराम से, हम आराम से पार हो जाएंगे। थैंक यू। एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए थे, इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए हैं नॉर्थ सिक्किम। अगर बाइक का मज़ा लेना है, एडवेंचर का मज़ा लेना है, तो नॉर्थ सिक्किम। अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलाएंगे, क्योंकि पहाड़ है, नीचे गाड़ी नीचे भी आ सकता है। फिर देखिए बढ़िया से बाइक चला रहा है। वाह वाह वाह, ब्रेक से ज़्यादा अलग आता। वाह, फिर चेस्टर की ना चला मूर्ख है। प्रभु मत धन्य भए कुछु। बुढ़ी ठीक है ता? आराम छ? ओके, तिमी चाहिँ आराम हुनु पर्छ, तिमीलाई अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन। आगे आगे है हमारे अमित सर, बहुत बढ़िया बाइक चला रहा है। हीरो सर एकदम पिछाई दे थे, कहा कर थे ये सन बाइक चलाते हीरो नहीं है। फिर अच्छा रास्ता मिल गया हमें, अब फिर दौड़ाएंगे थोड़ा। अब यहाँ से केवल 12 किलोमीटर है मंगन। चलिए चलिए देखे माला हल्लो चले चले ताले के भयो होला हाम्रो है आउँगा। हल्लो यस 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 मैन, बहुत बढ़िया बाइक चला रहा है आज, मुझे अच्छा गाइड कर रहा है कि नहीं सर? ये देखिए ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है कितना टेढ़ा मेढ़ा है, गंधेला जैसा। देखिए ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। वाह पत्थर, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं। मैंने कहा इतने तो होला बाटो है मुनि तो, ये कौन जगह होला साथी हो? मजा अलग चीज ना, कौन जगह हो यो? टिंगथिम। हमने आज कोई होड़बाजी नहीं किए, हम आज 60-65 जहाँ हाईवे में 80 तक हम दौड़ाए, और पहाड़ के रास्ते में हम केवल 60 के नीचे दौड़ा रहे हैं। 50-40 की स्पीड पे हम जा रहे हैं आराम से, कोई हतार छ ना हमें लाए कोई दे। और मंगन आने में 8 किलोमीटर है, करीबन 18 मिनट हमें लगेगा। और नेपाल में चाहिए क्या, हर एक पुल में ये लेख देखे हो कि पुल हो कति लामो कहले बनने को क्या कुन जगह। वाओ ब्यूटीफुल, मजा को वाओ, सब तेरा मजा का जगह है। रंग रंग यस आईडीबी पुलिस रंग रंग सही हिड़ा भी अरुले फिर अब हाथ ठोक दिखाई है। हामी घरबाट निस्केको 5 बजी हो, टक्कै 10 बजे 5 घन्टामा चाहिँ अब हामी लगभग मङ्गनतिर चाहिँ आइपुग्यो। हामीले बाटोमा अलिअलि रोक्यौँ पनि होइन, 2-3 जग्गा रोक्यौँ, आराम गर्दै आएको। 3 किलोमिटर टाइम लाग देखाउँदैछ 9 मिनट, सो अबको 9 मिनटमा त हामी पुग्ने रहेछौँ तपाईँको मङ्गन। जगिन पाउँछ यहाँ, जगिन किन्नु छ वहाँबाट, तेल हाल्नुपर्छ नि अब यहाँ, हाल्नुपर्छ होला हौ। जर्किन पनि पाउँछ पाउँछ है, यसो भनौँ कि पहिलेकोलाई चाहिँ भाउजूले मेरो दोरी चाहिँ तेल भऱ्यौँ। यो मङ्गनको फर्स्ट पेट्रोल पम्प हो, यहाँ तेल भऱ्यो। मुनिको बाटो अर्कै हो, माथिको बाटो हामी आयो। सो एभ्रिथिङ इज रेडी हियर। 5-5 लिटरको जेरिकेन लिएर 10 लिटर तेल बोक्यौँ एक्स्ट्रा। ओके सी यू इन द वे, बाय बाय। मङ्गन 2 किलोमिटर मात्रै छ, मङ्गन बजार केवल 2 किलोमिटर है यहाँ से। 600 रुपियाँको तेल लाग्यो अहिले बार। अब यहाँबाट चाहिँ कता जानुपर्ने हो, यसो मेन बजारमै छ भन्दै थियो जग्गा त। दिदी जानुहोस् जानु 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 बाटो क्रसिङ ठिकै छ, जानुहोस् तपाईँहरू। हाम्रो त यात्रा लामो छ, हामी आरामले जान्छौँ। मेन मङ्गन बजार त सोध, फोन गर्नुपर्छ। लाचेन लाचेन त लाचेन कता हो? अच्छा हुन्छ, थ्याङ्क यू। सोध्नुपर्छ यहाँ यहाँ रोकौँ, यतै जस्तो लाग्दैछ हौ।
मङ्गन बजार. हामी यहाँनिर अब पासको लागि पर्मिटको लागि पर्खिरहेछौँ. अब सन्दीप भाइ आउँछ. त्यहाँनिर मुस्लिम होटल सरे लाङ्सा खाने हेरौँ है. ओह ओरेक्सन बिजी भयो अरे सर. अब सो हामी चाहिँ आज खसीको मासुसँग खाँदैछ भात. लन्च टाइम यहाँ दुई घन्टा बाटो त हो. 3 बजी पुग्दैन हामी. कति बज्यो? 12 बज्यो. 3 बजी पुग्छ. मुस्लिम होटलमा खाना खाएर आएको हामी मङ्गनमा छौँ. अब यहाँबाट पर्मिट लिएर चाहिँ हामीतिर जान्छौँ. यहाँ राखेको छौँ तपाईँको टुर एन्ड ट्राभल मङ्गन बजारमा. सो पर्मिटहरू भयो. अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी हिँड्छ. तो हम यहाँ से निकल रहे. बस मङ्गन का काम खत्म. हमने पर्मिट ले लिया है 4 दिन का. 7 कॉपी बना लिया है. ये है पर्मिट का जगह. मङ्गन बहुत ही गर्म है. बहुत ही गर्म. हम सोच रहे थे शायद थोड़ा ठंड होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कि मैं सिलीगुड़ी में बाइक चला रहा हूँ. ये चालू हो गया हमारा लाचेन की रास्ता. तो अभी हमारा फर्स्ट चेक पोस्ट पड़ेगा तुंग चेक पोस्ट. तो ये हमारा लास्ट पेट्रोल पंप यही है. अगर आपको लाचेन जाना है, दुगुरु में जाना है, तो आपको ये लास्ट पेट्रोल पंप यही है. अभी नया खुला हुआ है. ये लास्ट पेट्रोल पंप यही है. लेकिन हमने नीचे से तेल ले लिया है ऑलरेडी. तो अब यहाँ से 18 किलोमीटर आगे तुंग चेक पोस्ट पड़ रहा है. तो वहाँ हमारा फर्स्ट कॉपी, हमारा पास का जो फर्स्ट कॉपी है, वहाँ हमको सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. तो अभी यहाँ से तुंग चेक पोस्ट से 15 किलोमीटर, मैं 2-3 किलोमीटर आगे ही अपना गोप्रो रेडमी गोप्रो को बंद करूँगा. देखिए नज़ारा, नादी विलेज. तुम ही हमारे, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए. फर्किंदा खेल चाहिए. वाओ मैग्निफिसेंट. तपाईँको यहाँ एउटा झर्ना रहेछ, सानोबाट झर्ना रहेछ हो. तर यहाँ नरोकौँ हामी हो, रोक्नु हुँदैन. विल स्टेट गोइङ. यो आफ्ना नयाँ झन्डा लगाएर रहेछ यहाँ चाहिँ बाइकर्स. बाबाई आम्मा, हात्ती बाइक सब चाट्टै सब हिमालयन. इधर ये नया बनाया हुआ रास्ता है, बहुत ही बढ़िया नया पिच. शायद ये हमें ही मिला है इससे पहले. देखे ना झरना, अति मजा का. ये है नागा विलेज. मालूम नहीं क्यों नागा विलेज कहता है. हो सकता है यहाँ पर नागा सब रहते होंगे, इसीलिए इसका विलेज का नाम नागा रखा गया हो. कहाँ से आ रहा है भाई? हम लोग नहीं चलाएंगे क्या बाइक? हम अभी नागा विलेज क्रॉस कर रहे हैं. अभी हम पूरा नीचे जा रहे हैं. अभी गए फिर माथे जान जाओ. क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है. Wow, beautiful. यही देखने के लिए तो आए थे. ओ हीरो, हमारे भाई वहाँ खड़ा है. कहते फोटो खींचने के लिए. दुई किलोमीटर साहब. तो अभी हम टुंग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं. हमने
पहला हमारा जो पास था वहाँ हमने जमा कर दिया, तो हम बहुत ही सही समय में पहुँचे हैं टुंग थेंगो टनल। यस थेंग टनल थेंग टनल तल अगाडि पढ्नु पर्यो। कता हराए सर फेरि लाइट जलाउनुहोस्। मजा ही अलग है भाई। हिरो हिरोले उभिएर चलाउँदैछ। अलिक हाँस्दै गएन भिडियो गर्दैछु होइन। वाओ मजा अलग छ है बडी, कस्तो सफा मजा आउँदो रहेछ। अलिक आस्ते आस्ते जानुहोस्। मैले अलिक आस्ते आस्ते जानु भनेको हौ। ट्याङ टनल क्रस गरे, बहुत ही चिसो ठन्डा जग्गा है माथि यस्तो चाहिँ। वाओ वाओ ब्युटिफुल जग्गा। यस्तो हुँदो रहेछ है टनलहरू चाहिँ है। रेलवेको ट्रन पनि यस्तै हुन्छ नि। रेलवेको त अलिक सानो हुन्छ, यत्रो ठुलो त हुँदैन, यता टुवे हो। अब लग रहा है कि हाँ लाचेन आ गया हम लोग। यस क्रॉस हो गया हम लोग, निकल गए थिंग विलेज। दिस इज कॉल्ड थिंग विलेज। अभी हमने जो क्रॉस किया वो था थिंग टनल। अभी ये सिंह विलेज हम पार हो रहे हैं। चुंगथांग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। बर्खामा त यहाँ बाटो हुन्छ के हो नि। अब भने चाहिँ है क्या दामी छ हो साथी हो जग्गा। आउनुहोस् है साथी हो, जो जसले हेर्नुहुँदैछ आँखाले देखाए जस्तै हुँदैन रहेछ मोबाइलमा। आँखाले हेर्दाखेरि जो दामी देख्दैछ, जो आई क्याचिङ छ नि अब क्या, त्यो चाहिँ अब मोबाइलमा नहोला होइन। मोबाइलमा त एउटा सिधा डिरेक्सनसँग मात्रै देखिन्छ, आँखाले त अब पुरा 360 डिग्री हेर्नु पाउँछ, मुनि माथि तल आमा। त्यो थाहा छैन तर झर्ना आहो। लो फोटो ल फोटो, टाइमै टाइम त छ होइन। माथिबाट यस्तो पानी पर्दैछ हेर्नुहोस्, मेरो सिधै पानी पर्दैछ नि। वाह क्या सीन है। वाओ दो भाई और दादा और भाई यहाँ खड़ा है। वाओ दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। दो साथियों अब यो यो पानी खाउनु त मजा त अर्कै छ नि त। यहाँ पानी कहाँबाट आउँदैछ तपाईँहरू, कहाँ माथिबाट पानी आउँदैछ भिजे। Wow. हामी रेस्ट लिएका छौँ यहाँनिर। कस्तो चिसो लाग्यो, कस्तो मजा लाग्यो अहिले चाहिँ, अहिले भने चाहिँ यस भिडियो। वाव माथि हेर्नुहोस् नजारा, हेर्नुहोस् माथि सिर का ऊपर से पानी गिर रहा है।
आसमान से पानी बरस रहा है इतना ऊपर से, और यहाँ पे हम थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं पानी खेलने के बाद। फिर से यात्रा शुरू, भीग भी गए। वाह, और एक वाटरफॉल बरस रहा है, और हमारे अमित सर यहाँ फोटो खींचते हुए कोना में, और यहाँ पे हम थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं टाइटेनिक बोट में। थोड़ा सा भीग भी गए, आसमान से पानी बरस रहा है इतना ऊपर से, और यहाँ पे हम थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं टाइटेनिक बोट में। तिमीहरू अन्त 0 पोइन्ट गएको होइन, अन्त यो आएको त यो बाटो, अन्त तिमीहरू मङ्गनबाट निस्केको। भित्र पस्नु आइ 10 फुट भएर किनलाई पस्नु, मेरा पनि गेदा भइहाल्यो है। लाचुङ त्यहाँ उल्टा गयो नि, हामी उल्टा गयो क्या हो, हम थोड़ा कन्फ्युज हो गए क्योंकि वेलकम टु लाचुङ लेखा है, लाचुङ पो आइपुगेको त हामी त नि। ओहो, हम गल्ती छ लाचुङ, अन्त लाचुङ आइपुग्यो हामी, अन्त नि पुगिसक्थ्यो अहिले हेर है, मैले भने 2 बजी पुग्थ्यो भनेर, त्यही त उल्टा पुल्टा देखाउँछ भन्छ नि म चाहिँ फेरि हो। हम गल्ती से लाचेन के जगह में लाचुङ आ गए। हेलो सर, आगे आगे जाते हुए अभी फाइनली हम लाचेन के रास्ता में है, गलती से हम लाचेन के लाचेन ना आके लाचुङ पहुंच गए थे हम। अब चाहिँ हामी त खोला खोला हिँड्छ बुझ्यौ, खोलाको कुना 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 यहाँ रोप्छु ल, यहाँ रोप्छु ल, टिस्टा ब्रिज एक बार में एक गाडी। हामी सर पुगे जस्तै छ रिसाएर लाचेन, यही हो। या यो हो नि ब्रिज त। मजामा छ, मजामा छ। मजा
ये देखिए कितना सुंदर जगह है, वाव लवली विलेज, छोटा सा विलेज लेकिन बहुत ही बढ़िया। जस्ते हतार भए पनि आफ्नो साइडमा घुमाउनु पर्छ, तपाईँको एउटा केयरलेसले अरूको ज्यान जानु सक्छ होइन। तो थोड़ा न एक नट आपका साइलेंसर का जो नट है वो थोड़ा ढीला हो गया है, तो हाथ से टाइट किया है। अभी जब हम वहाँ पहुँचेंगे लाचेन तब फिर उसको हम बढ़िया से टाइट करेंगे। राबामछू ब्रिज, लाचेन बजार आइसक्यो, अब हामीले मोबाइल बन्द गर्नुपर्छ, चेकपोस्ट आयो भने रिकर्डिङ बन्द गर्नुपर्छ। लाचेन का चेकपोस्ट भी हम पार कर चुके हैं, तो जस्ट लाचेन का चेकपोस्ट पार करने के बाद ही आपको ये दृश्य आपको मिलेगा। ये तो जाम लागने रहेछ, चार बज के 13 मिनट हम एंटर कर चुके हैं लाचेन। लाचेन के चेक पोस्ट पार होके मेन अभी लाचेन बाजार में है। अभी यहाँ से हमारा होटल 1 किलोमीटर दूर है, करीबन 4 मिनट के दूरी पर। मैं मेरा बीवी को दिखा रहा था, ये हमारा होटल है और हम अभी यहाँ है। हमी से अगि से बाटो नचिने हमीर ठीक है, मैं जुमसा रोड यो ठीक है अगि मैं पुलिस दाजू ने ठीक है जुमसा रोड ये है हमी पो जुमसा रोड खोज्दै खोज्दै लो आवाज कहाँ चढ्नु त चढ्यो है भाजी, अहिले चढायो है बाइक चाहिँ हो। गुम्बाबाट उकालो अरे ऊ त्यो रहेछ उयो गुम्बा छ नि ऊ, वाओ फाइनली वी हेभ रिच टु आवर डेस्टिनेसन जुमसा रेसिडेन्स। अब आइपुग्नु अरे 400 मिटर रहेछ अब न सिक्किमको बाटो जुमसा कस्तो छ भनेर है। ल बडी यतै अब आउनु आँट्यो हामी जुमसा जुमसा। ए होइन हाम्रो पनि आज यतै छ, आरेक्टा बाइक आसछ आमादर। हाँ थैंक यू जीसस, फाइनली वी हैव रीच, फाइनली वी आर हियर सर एट जुमसा रेसिडेंस। थैंक यू लॉर्ड, लेट्स जीसस लेट्स प्रार्थना गर्नु पर्छ त त्यसरी हुँदैन। मैले त्यसै भिडियो गरेको, दिस इज आवर रूम, इट्स ब्यूटीफुल रूम है, रूम राम्रो छ, मजाको छ। त्यसरी हामी अब दुईजना हामी तिनजना सँग एउटा रुममा छ, तपाईँलाई बाथरुम देखा हेरिरहेको छु। ओके सो दिस इज आवर बाथरुम, सब गुड क्लिन, वी हैव मेड द रिकॉर्ड, मेड द रिकॉर्ड। हामी फाइनली फाइनली बैक अगेन हेलो कुसल, कुसल भाई ये बॉक कुसल भी माल बाजार के माल बाजार का रे के आराम नहीं बने माल बाजार का कॉफी अच्छा लग लग भाई के कॉफी को। सो हम घर से निकले थे सुबह 5:15 में, सात के हम 5:15 में पहुंच गए थे। उसके बाद हम अभी एग्जैक्टली कितना बज रहा है 4:46 क्योंकि हम बहुत रहा, हम भटक गए थे यहाँ वहाँ, तो फाइनली हम पहुंच गए। थैंक यू लॉर्ड, वाओ ये हमारे होटल का बाहर का व्यू है, देखिए मुझे दिखाई